अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं लेके आई हूँ फ़िश फ्राई जी। इसको बनाना बहुत आसान है, बस इसको मैरिनेशन करना पड़ता है 2 घंटे पहले। तो सबसे पहले मैंने फ़िश ली, उसमें मैंने थोड़ा सा सिरका 2-3 कतरे इसमें ऐड कर दिया और इसको हल्के से सब पे लगा के मैंने इसको रिमूव कर दिया। धो के मैंने लगाया है और ये मैरिनेशन 2 घंटे के लिए की जाती है, आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। आधा लहसुन का जवा है हमारे पास, जो जवे होते हैं छोटे छोटे जो पूरा साबुत होता है उसको मैंने हाफ ले लिया है। थोड़ा सा अदरक लिया है और थोड़ी 3-4 मिर्चें ली हैं मैंने साबुत, उसको मैंने हाथ से ही इस तरीके से चॉप किया है। उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लिए गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाला है और ये 1 टेबल स्पून अजवाइन है, उसको मैंने हाथ से ही क्रश किया है क्योंकि अजवाइन के बगैर फ़िश आपकी अच्छी नहीं बनेगी। और ये 4 टेबल स्पून हमारे पास दही है, इसको मैंने सॉफ्ट करने के लिए इसमें मैंने ऐड किया है। और अब थोड़ा सा हम इसमें कलर ऐड करेंगे, वो ऑप्शनल है। कलर ऐड करने से थोड़ी सी खूबसूरती इसकी डबल हो जाती है और अच्छे लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने कलर ऐड किया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम मसाले इस तरीके से हम इसको मैरिनेट करेंगे। बहुत हल्के हाथ से करना है और ये सिरका जो मैंने लगा के छोड़ा था उसको सिर्फ 10 से 15 मिनट छोड़ना है और इसको धो के लगाना है, इसको फिर नहीं धोना है। और ये मैरिनेशन मैं कर रही हूँ, इसको 2 घंटे के लिए आप मैरिनेशन कर सकते हैं मैक्सिमम, वरना ओवरनाइट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कढ़ाया लेंगे, या आपके पास कोई भी फ्राई पैन हो उसमें भी आप फ्राई कर सकते हैं। और तेल इतना डालना है कि हमें इसको डीप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर इसको शैलो फ्राई करेंगे तो वो फ़िश का वो टेस्ट और जो एक खूबसूरती होती है वो नहीं आती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा लिया है। अब इस तरीके से हम 1 बाय 1 थोड़ी थोड़ी फ़िश डाल के, एक साथ मत डालिएगा और इसमें फ़िश टूट जाती है, 2 से 3 से 4 पीस आप डाल के इस तरीके से सारी फ़िश को हम फ्राई करेंगे। टर्न करेंगे, आप फौरन मत कीजिएगा, थोड़ा सा इसको पकने दीजिएगा और फिर इसको आप टर्न कीजिएगा। 15 से 20 मिनट लगते हैं फ़िश को पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब जो मसाला मेरे पास बचा हुआ था उसको मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया, अगर ये ऑप्शनल है। वैसे बाज़ लोग ऐसे ही खाते हैं और बाज़ लोग मसाला चाहते हैं, तो ये मसाले को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसको साइड पे रख देंगे। अब ऊपर से हम इसमें चाट मसाला है, नींबू है, आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप ऊपर से डाल सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।